हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईथर की। ईथर का जो सामान्य सूत्र है होता है ROR, मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बन समूह उपस्थित होते हैं तो उसे हम ईथर कहते हैं। अब ये इसको मैं R डैश लिख रहा हूं। अब दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास कि R बराबर हो R डैश के या फिर R R डैश के बराबर नहीं हो। क्या तात्पर्य है कहने का, जैसे CH3OCH3 इसमें ऑक्सीजन के इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, सेम चीज है। तो ये आपका है जब R बराबर है R डैश के। R R डैश के बराबर नहीं हो, इसका एग्जाम्पल जैसे CH3OCH2CH3 ओके, एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ CH2CH3 है, इधर के कार्बन समूह और इधर का कार्बन समूह बराबर नहीं है। तो अगर बराबर होता है तो इसको कहते हैं सममित ईथर। ये इसका वर्गीकरण है। और बराबर नहीं होता है तो इसको कहते हैं असममित ईथर। ठीक है, तो ये है सममित ईथर और ये क्या है असममित ईथर। नामकरण संस्कार कैसे होता है देखो, इसमें तो आप इसको प्रतिस्थापी मान लो, इसको मेन चेन मान लो। तो ये कैसा प्रतिस्थापी है, मिथ ऑक्सी, तो ये कहलाएगा मिथ ऑक्सी। और ये क्या है, एक कार्बन, तो ये हो गया मिथॉक्सी मिथेन। तो इसका नाम तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। और इधर जो चेन बड़ी है उसको मेन मान लो, ये दो कार्बन की चेन है तो ये मेन हो जाएगी और ये हो जाएगा प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी क्या है, मिथॉक्सी, तो मिथॉक्सी प्रतिस्थापी हो गया। और ये मैथ एथ, दो कार्बन की चेन, तो ये हो गया इथेन। मतलब इथेन आपका मेन समूह है जिसमें फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी। यहां पे मिथेन आपका मेन समूह है जिसमें फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, मिथॉक्सी मिथेन। यहां पे बड़ी वाली को मान लीजिए बड़ी चेन, इंपॉर्टेंट चेन, छोटे वाले को बोल दीजिए प्रतिस्थापी। एक और नाम लिख के दिखाता हूं, जैसे इसमें सेकेंड एग्जाम्पल, अब इसमें दोनों तरफ सेम है तो इसको आप प्रतिस्थापी मान लो, मैथ एथ एथॉक्सी, एथॉक्सी हो गया प्रतिस्थापी, एथेन हो गया आपका मेन चेन, तो एथॉक्सी एथेन। यहां ये बड़ी है तो ये मेन चेन होगी, ये प्रतिस्थापी होगा, एक कार्बन है मिथॉक्सी 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 मैथ एथ प्रोप मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो ये था इसका नामकरण और वर्गीकरण। अब आते हैं अपन इसके निर्माण की अभिक्रियाओं में। ईथर का निर्माण हम लोग करेंगे अल्कोहल से। अल्कोहल से कैसे होगा देखना, जैसे मान लीजिए आपके पास CH3CH2OH है। अगर आपने इस CH3CH2OH में अम्ल को उत्प्रेरक के रूप में लिया और तापमान रखा 140 केल्विन से कम, तो फिर ईथर का निर्माण हो सकता है। अगर 140 केल्विन से ज्यादा तापमान रखा तो क्या होगा, पहले वो सुन लो। अगर आपने 140 केल्विन से ज्यादा तापमान रखा तो यहां से निकलेगा OH, यहां पे CH3 को मैं ऐसे लिख देता हूं CH2H, तो यहां से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा H, तो H2O बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये अभिक्रिया आपने पढ़ भी रखी है। इस अभिक्रिया में एल्कीन का निर्माण होता है अल्कोहल से। तो अगर तापमान 140 केल्विन से ज्यादा हुआ तो यहां से OH और यहां से H बाहर निकल जाएंगे, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तापमान कम हुआ 140 से तो बनेगा आपका अल्कोहल से ईथर। अब वो कैसे, उसकी अभिक्रिया देखिए, मैं उसका मैकेनिज्म आपको समझाता हूं। ये आपका जो CH3CH2OH है, जो आप अम्ल ले रहे हो वो H प्लस जुड़ेगा किससे, ऑक्सीजन से। जुड़ने से क्या बनेगा,
CH3CH2O एक युग्म दे दिया इसने हाइड्रोजन को, तो ये इस हाइड्रोजन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन पहले से है, तो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उस पर क्या आ जाएगा प्लस। ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देके उसको अपने से जोड़ा है तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब देखिएगा कहानी में ट्विस्ट इसके बाद में है। अब इसके ऊपर जो CH3CH2OH का दूसरा अणु है, देखिएगा ऐसे बहुत सारे होंगे कंटेनर में, तो एक मिल गया H+ से बन गया ये, उसके बाद जो दूसरा वाला है वो दूसरा वाला अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा इस कार्बन पे और इसको बोलेंगे SN2 अटैक, SN2 आक्रमण, पश्च आक्रमण। SN2 पढ़ा है आपने पहले, पीछे से आक्रमण को क्या बोलते हैं अपन, SN2 आक्रमण, पश्च आक्रमण। तो जब ये पीछे से आक्रमण करेगा तो ये जल बाहर निकल जाएगा। फिर से सुनिएगा कहानी के ट्विस्ट को और कहानी को कि जो एल्कोहल लिया है उस पे H+ ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस, दूसरा वाला जो एल्कोहल का अणु है वो पीछे से आक्रमण करेगा, पीछे से आक्रमण करेगा तो ऑक्सीजन इससे जुड़ना चाहेगा, जब ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा तो कार्बन के हो जाएंगे पांच बंद, तो कार्बन रवाना किसको कर देगा H2O को, और H2O तो रवाना होना भी चाहता है क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है प्लस है, तो इससे क्या बनेगा CH3CH2, इससे अब कौन कनेक्ट हो गया ये वाला O, O से कौन कनेक्टेड है H, और उसमें कौन है CH2CH3, ये वाला ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन के हो गए तीन बंद, पहले इस ऑक्सीजन के दो बंद थे, जब भी ऑक्सीजन के तीन बंद बनेंगे उस पर प्लस आएगा, तो ऑक्सीजन पे आ गया प्लस, साथ में बाहर कौन निकला जल, तो ये जल आपका बाहर निकल गया। अब इसके बाद क्या होगा सिंपल, ये H जो है अपने इलेक्ट्रॉन देकर के रवानगी ले लेगा, तो क्या बना CH3CH2O CH2CH3, O के ऊपर प्लस खत्म हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे गया और अलग कौन हो गया H+, तो प्लस H+, H+ की चिंता मत करना, कैटलिस्ट की तरह गया, कैटलिस्ट की तरह आया था, तेरा तुझको अर्पण हो गया, कैटलिस्ट की तरह बंदा आया था, कैटलिस्ट की तरह बंदा गया। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कविता का सार क्या है कि अगर 140 केल्विन से कम होता है तो दो अणु लेने पड़ते हैं, दो अणु आपस में जल बाहर निकालते हैं और क्या बन जाता है CH3CH2OCH2CH3, जो कि अपने आप में क्या है ईथर। तो ये आपने देखा कि ईथर का निर्माण एल्कोहल से कैसे होता है, इसकी लैंग्वेज लिख देता हूं फिर आगे बात करेंगे। तो लैंग्वेज कुछ इस तरह से है कि एल्कोहल का निर्जलन, जल तो इसमें से बाहर निकल रहा है, आपने देखा H2 बाहर निकला है ना, तो एल्कोहल का निर्जलन अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 140 केल्विन से कम ताप पर कराने पर ईथर का निर्माण होता है, और सम्मित ईथर बनाने का ये बेस्ट मेथड है क्योंकि आप देख सकते हो कि O के इधर भी जो ग्रुप है उसके उधर भी वही ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ पे जिस ईथर का निर्माण हुआ है मित्रों वो कौन सा ईथर है, वो है सम्मित ईथर, तो सम्मित ईथर बनाने का ये बेस्ट मेथड। अब अगर असम्मित ईथर बनाना हो तो क्या करेंगे वो देखिए दोस्तों, असम्मित ईथर बनाने के लिए हम लोग एल्कीन को काम में लेंगे, एल्कीन जैसे कि आप ले सकते हो CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3, यह आपने एल्कीन लिया, अम्ल उत्प्रेरक को हम काम में लेंगे, जैसे यहां पे H+ लिया था वैसे यहां पर भी H+ लेंगे, H+ आने पर ये बंद इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां आ जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा प्लस, अर्थात इस पर आ गया माइनस, पड़ोस पे आ गया प्लस, तो H+ कहां जाके जुड़ेगा माइनस पर, तो H+ यहां आके जुड़ गया और ये बन गया 3 डिग्री कार्बधनायन जो कि बहुत स्थाई होता है। अब आप सोच सकते हो कि मैंने इसको इधर शिफ्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको इधर शिफ्ट किया होता तो यहां माइनस आता यहां प्लस आता फिर बनता 1 डिग्री कार्बधनायन जो कि अस्थाई होता, इसलिए हमने क्या बनाया 3 डिग्री। मैं समझा देता हूं कि क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने इसको इधर शिफ्ट किया होता यहां बनता माइनस और यहां बनता प्लस, अगर ये इधर शिफ्ट करता तो
तो यहां पे कौन सा वाला प्लस है, जिस पे प्लस है उससे केवल एक कार्बन सीधा जुड़ा हुआ है, मतलब ये होता है 1 डिग्री कार्बथनायन, और 1 डिग्री कार्बथनायन रिजेक्टेड होता है क्योंकि 3 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है 1 डिग्री से, इसलिए उसको उधर शिफ्ट किया ताकि यहां माइनस आए, यहां प्लस आए और एच जाकर के जुड़े यहां पर, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में इस पर आपका अटैक करेगा ROH। अब देखिए जो ROH है उसमें R का मतलब है कार्बन समूह, आप चाहो तो CH3 ले सकते हो, आप चाहो तो CH3 CH2 ले सकते हो, जो आपका मन करे वो आप ले सकते हो। तो ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा, क्या बनेगा CH3 O आकर के जुड़ गया, O के साथ में H जुड़ा हुआ है, R भी जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। या वैसे समझना चाहो तो ऑक्सीजन ने 3 मन बनाए, जब भी ऑक्सीजन 3 मन बनाता है तो उसपे क्या आता है, प्लस आता है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर के रवाना हो जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 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 O, O को इलेक्ट्रॉन देके हाइड्रोजन रवाना हो गया, केवल R बचा, तो ये क्या बना, R O R ईथर, और H प्लस तो कैटलिस्ट था, तेरा तुझको अर्पण कैटलिस्ट की तरह आया था, कैटलिस्ट की तरह गया, बट यहां पे आप देखोगे तो असममित ईथर है क्योंकि यहां पे ये समूह है और इधर R आपके ऊपर है, जो भी आप एल्कोहल मिलोगे वो आकर के यहां पे लग जाएगा, इसलिए मैंने लिखा कि असममित ईथर का निर्माण हम ऐसे कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, उसके लिए हम एल्कीन काम में लेते हैं। फिर से समझ लीजिए, एल्कीन पे अम्ल अटैक करता है, एच पे अटैक करता है, उससे स्थायी कार्बधनायन का निर्माण होता है, स्थायी कार्बधनायन के ऊपर आपका एल्कोहल आक्रमण करता है, उसके बाद एच प्लस बाहर निकलता है और बन जाता है आपका असममित ईथर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेहद ही आसान अभिक्रिया है। तो ये हमने दोस्तों सीखा कि ईथर का निर्माण एल्कोहल से हम कैसे कर सकते हैं, एल्कोहल से करने पे सममित ईथर का निर्माण होता है, और अगर आपको असममित ईथर का निर्माण करना है तो आपको एल्कीन की हेल्प लेनी पड़ेगी। आने वाले वीडियोस में हम लोग ईथर का और निर्माण की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तथा उसकी आगे की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।